मुझे कुछ दोस्तों ने जो प्रिवी हैं उन्होंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा एक तो मसला कोई जिप्सम की कान भी है बलूचिस्तान में जिसका झगड़ा मेंगल और भूटानी ट्राइब्स का चल रहा था, ये भी तय हो गया है एज ए गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट की तरफ से कि उसकी मलकियत भी अब जौंसी है मेंगल ट्राइब को मिल जाएगी। और साथ ही उससे भी बड़ी बात ये और उससे बड़ी बात यह कि शायद आपको ग्रीन सिग्नल भी दिया गया है कि भले आप कोशिश कर लें बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराने की, अगर आपके पास मेंबर्स हैं बना सकते हैं, एज लॉन्ग आप JUIF के साथ कोई मिलके ये काम ना करें। और कहा गया कि आपकी पार्टी ने यह भी कहा है सरकारी अपने दोस्तों को कि हम कर सकते हैं, हमारे पास 27-28 MPs हैं। इन दोनों बातों पर ज़रा मुझे क्लियरली बता दें, क्या ये माइन की कोई डील हुई है और दूसरी क्या आपको ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप JUIF को साथ मिलाए बगैर अगर गवर्नमेंट गिरा सकते हैं तो गिरा लें। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं मोहतरम, ये तमाम स्पेकुलेशंस हैं। आपको तो पता है आजकल जो है ना आपकी मीडिया एंड सोशल मीडिया में मेरे ख्याल में अंबार लगी हुई है एलिगेशंस की, और एलिगेशन जो है ना लगाने वाले वही लोग होते हैं जिनकी जो है ना पार्टी में कमजोरियां हैं, जो अपने अदवार में काफी गलतियां कर चुके थे, अब वो जो है ना अपनी कमजोरियों को छुपाने की खातिर तो चले इसको हम सिंपलीफाई कर लेना लेते हैं। और कोई 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 कान की कोई कोई कान की माइनिंग डिस्प्यूट नहीं है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं है माइनिंग डिस्प्यूट। वो जो जिस कान की बात की जाती है वो ऑलरेडी मेंगल इलाके में है, लेकिन फकत वहाँ पे ड्रिलिंग का जो प्रॉब्लम था उसमें देरी हो गई थी। मकामी तौर पे जो है ना प्रोविंशियल असेंबली के लोग और हमारे चीफ सेक्रेटरी ये कहा करते थे कि इसकी सिक्योरिटी बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट और FC को दिया जाए, और हमारी पार्टी का जो है ना ये इसरार था कि सिक्योरिटी मकामी लोगों को भी इसमें इंडक्ट किया जाए ताकि उनके रोज़गार के ज़राए भी कुछ उन्हें मिल सके, ताकि वो आसानी से यहाँ पे कुछ अपने जो ना मादनियात से मुस्तफीद हो सके। ये मसला वजीर आजम से डिस्कस हुआ जमालुद्दीन साहब, ये वजीर आजम से मसला डिस्कस हुआ? जी नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट कभी हमने आपस में डिस्कशन में कभी भी नहीं आया। जो उनकी निगोशिएटिंग टीम है उससे डिस्कस हुआ? जी नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे सब्जेक्ट में था ही नहीं, कभी डिस्कशन पे आया ही नहीं। यहाँ तक मैं करीबी आदमी सरदार अख्तर मेंगल का पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, तो अगर ये चीज़ें होती तो मैं आपके सामने ब्लेटेंटली बता देता, मैं छुपाता नहीं, समझे ना। और सेकंड क्वेश्चन जो आपने किया,